चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अभी तक हमने बाकी सब वीडियो देखे हैं, अब आगे हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो बहुत ही ईजी है इसके साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सबसे पहले मैं बता दूँ पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि जब हम इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है, तो उस समय हमको रेडियस ऑफ कार्विचर का साइन, फोकल लेंथ का साइन, है ना, जो इमेज फॉर्म करेगा स्फेरिकल मिरर के द्वारा उसका साइन हम कैसे चूज करेंगे। अगर हमको साइन के बारे में ऑलरेडी अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको जिसमें हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इस साइन को ज़्यादा समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जस्ट आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर में वेस्ट है। अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साइन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है तो आप इसके साइन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, जैसे कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बिठाते हैं तो उसकी डिस्टेंस को हम ओरिजिन से मेजर करते हैं, उसी प्रकार से कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो आप पोल से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, आपको पता है पोल क्या होता है, पोल होता है एक सेंटर, ठीक है, किसका सेंटर होता है, स्फेरिकल मिरर का, नॉट होल स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर होता है जिसको हम लोग मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, वहाँ से ही आपको हर एक डिस्टेंस को मेजर करना है। अगर आप फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तब भी वहीं से मेजर करेंगे। अगर आप जैसे देखिए, ये इसका पोल है, ठीक है, यहाँ पर एक ये फिगर, ये इसका पोल है। अगर मान के चलिए हमको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, वो कहलाएगा हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए फोकल लेंथ, अगर हमको फोकल लेंथ का डिस्टेंस को मेजर करना है तो पी से एफ तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, क्योंकि हमको हर एक डिस्टेंस को पी से ही मेजर करना है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा फोकल लेंथ। सिमिलरली इसको कॉनकेव मिरर के बारे में, ये कॉन्वेक्स मिरर में भी वही है, ये देखिए यहाँ पर ये फोकल लेंथ है, ये इसका पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल, इसका फोकल लेंथ फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो कहलाएगा फोकल लेंथ। लेकिन दोनों में कन्फ्यूज, दोनों में अंतर है। इधर देखिए, इसके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसके जो फोकल लेंथ है वो आपका फ्रंट ऑफ द मिरर है, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मिरर के राइट साइड में है। तो देखिए, और हाँ, कब निगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है तो आप जानिए कि अगर है ना, ये इंसिडेंट रे के अलोंग की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी, इसके अलोंग की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सबको हम निगेटिव लेंगे, बट वो किधर होना चाहिए, पोल से आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर ये सेंटर, इसका डिस्टेंस को देखा जाए तो इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमको निगेटिव लेना है। अगर हम फोकल लेंथ की डिस्टेंस को देखें तो हमको क्या लेना है, निगेटिव, मतलब कि पोल से लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी, चाहे वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो, चाहे वो डिस्टेंस आपकी इमेज की हो, चाहे वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फोकल लेंथ, तो सबको नेगेटिव लेना है इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर में देखिए क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में ये इंसिडेंट रे इधर से आती है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे जब इधर से आएगी तो पोल से लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी उसको आपको नेगेटिव लेना, और पोल से राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी उसको आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो हाँ देखिए, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पोल के राइट साइड में रहा है, मतलब मिरर के राइट साइड में है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको हमको पॉजिटिव लेना है। और इसका फोकल लेंथ है वो भी आपका राइट साइड में, तो इसका मतलब क्या है, इसको भी हमको पॉजिटिव लेना है। तो आप एक चीज़ इस तरह भी याद रख सकते हैं, इन कॉनकेव मिरर एंड फोकल ऑफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर टेकन एज नेगेटिव, इन कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर टेकन एज पॉजिटिव। देखिए, इसका जो साइन कन्वेंशन है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर में बेस्ड है। देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स डैस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैस, आप जानते हैं कि इस ओरिजिन से इसकी राइट साइड की जितनी भी एक्स की वैल्यू होती है सब पॉजिटिव, तो सिमिलरली देखिए इधर पॉजिटिव, अगर इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड के हम तरफ बढ़ते हैं तो एक्स की सब वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, तो देखिए इधर हमने नेगेटिव बताया। अगर हम ओरिजिन से अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की जितने भी डिस्टेंसेस हैं सब पॉजिटिव और नीचे की जितने भी डिस्टेंसेस हैं सब नेगेटिव, चाहे वो पोल के लेफ्ट में हो या राइट में हो, पोल के लेफ्ट राइट में भी रहेगा और नीचे का डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है तब भी नेगेटिव लेना है, और पोल के राइट में होने के बावजूद अगर हमको ऊपर का डिस्टेंस लेना है तभी हमको पॉजिटिव लेना है, तो ये आपके उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो
वो तो हमेशा आपके फ्रंट ऑफ द मिरर ही रहना, तो फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगा वो ऑलवेज आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा, इसलिए उसकी पॉजिटिव हाइट लेनी है। बट अगर आपका इमेज रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, रियल बन रहा है तो आपका नीचे की तरफ बनेगा तो उसका हाइट को हमको नेगेटिव लेना है, अगर वर्चुअल बन रहा है तो वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगा तो उसका हाइट को हमको पॉजिटिव लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग साइन ऑफ कन्वेंशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है।